हेलो फ्रेंड, इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेक्टेंगुलर कॉलम और स्क्वायर कॉलम के जो स्ट्रिप हैं, यानी कि जो रिंग हैं, उसकी जो कटिंग लेंथ है वो आप कैसे निकालेंगे, यानी कि उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर तीन मेथड बताऊंगा, जिससे आप रेक्टेंगुलर और स्क्वायर कॉलम के स्टिरअप यानी कि रिंग के लिए स्टील की जो कटिंग लेंथ है वो आसानी से और जल्दी निकाल पाएंगे। तो ये जो तीन मेथड का जिक्र मैंने करा है, इसमें जो पहला मेथड है वो है आउटर टू आउटर डायमेंशन के साथ, और जो दूसरा मेथड है वो है इनर टू इनर डायमेंशन के साथ, और जो थर्ड मेथड है वो है सेंटर टू सेंटर डायमेंशन के साथ। तो मैं यहाँ पर आपको इन तीनों मेथड का एक एक एग्जाम्पल भी बताऊँगा, तो आप मेरे साथ बने रहें आखिर तक और इस वीडियो को पूरा देखें। तो मुझे उम्मीद है आप किसी भी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉलम के स्टिरअप यानी कि जो रिंग का लिए जो स्टील की कटिंग लेंथ निकालनी होती है वो बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। और आप में से जो भी लोग इस चैनल से अभी नए जुड़े हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इस टाइप की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये कॉलम है, इसका आप देखेंगे आउटर साइज है, ये 600 mm है इधर और यहाँ है 300 mm। इसका जो हमें कवर कंसीडर करना है इसमें वो है 40 mm, 40 mm का कवर, और जो इसका स्टिरअप का डाया है वो है 10 mm, यानी कि 10 mm की जो है वो रिंग है स्टिरअप, और जो हमारा कवर है वो है 40 mm। तो जब हमारा 40 mm कवर होगा तो ये कि जो हमारी इसकी लेंथ है 600 mm, तो उसमें से कितना माइनस हो जाएगा, 40 mm यहाँ से और 40 mm यहाँ से, यानी कि 80 mm माइनस हुआ, तो ये रह गया हमारा कितना 520, यानी कि 600 में से 80 mm घटाया तो बचा 520। ऐसा ही सेम यहाँ है, ये हमारा साइज आउटर टू आउटर है, ये 300 mm था तो 40 इधर से और 40 इधर से, यानी कि 80 माइनस हो गया तो ये बच गया 220। तो ये तो हो गया हमारा साइज आउटर टू आउटर डायमेंशन, कितना 520 बाई 220। अब चलते हैं इनर टू इनर, ये हमारा 520 था यहाँ से यहाँ तक, अब इसमें से हम ये जो हमारा डायमीटर और स्ट्रिप है ये है 10, तो 10 इधर से माइनस करते हैं और 10 इधर से करते हैं, यानी कि 520 में से 20 माइनस हो गया तो बचा कितना 500, तो ये हमारा आ गया 500। ऐसे जो है ये था 220, इसमें से भी 20 माइनस हो गया तो आ गया 200, तो इनर टू इनर डायमेंशन होगी 500 बाई 200। अब चलते हैं सेंटर टू सेंटर, जब बात करेंगे सेंटर टू सेंटर की, तो चूंकि डायमीटर 10 mm का है तो 10 का सेंटर हो गया 5, 5 इधर से प्लस हो जाएगा और 5 इधर से, तो ये जो 500 है ये हो गया 510 और जो 200 है ये हो गया 210। तो अब आपके तीनों साइज क्लियर हो गए, आउटर टू आउटर, इनर टू इनर और सेंटर टू सेंटर। तो आइए अब इसकी जो कटिंग लेंथ है स्ट्रिप की वो कैलकुलेट करते हैं, और जो इसका ये हुक है इसे हम कंसिडर करेंगे 10D। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेथड नंबर 1। यहाँ पर हम देखिए ये जो आई है हमारा 2 × I, आई बोले तो यहाँ पर हमारा है इनर, और यहाँ पर जो सी है वो है सेंटर, और जो यहाँ ओ है ये है आउटर। इनके तीन मेथड है, एक आउटर, एक सेंटर और एक इनर। तो सबसे पहले जब हम इनर की करेंगे तो 2 × A IA + IB, यानी कि ये इसकी लेंथ और ये 2 × 12D, यहाँ पर जो हुक है हमारे वो नंबर 2 नंबर है और 12D कंसिडर है इसमें। ये फार्मूला जैसे हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है 2502, उसके अंदर भी है 2502 के अंदर, माइनस इसकी एलोंगेशन हमने जो कंसिडर की है, जो दो हुक है यानी कि 3D 45 135 जो है, तो वो 3D × 2 rows + 2D, यानी कि जो 90 डिग्री में है वो 3 rows, ये 3 और 2, ये मैं आपको देखिए इधर बताता हूँ ड्राइंग में, ये आप देखेंगे पहला फर्स्ट रोज 90 डिग्री, सेकेंड और थर्ड रोज 90 डिग्री, जो ये है ये 2 rows है, यानी कि एक लाइन और ये दूसरा लाइन, यानी कि 2 लाइन इधर है और 3 लाइन ये है, तो इसलिए 2D × 3 rows और 2D × 2, यानी कि 2 और 3, टोटल मिलाकर 5 लाइन। तो ये फार्मूला है, इसके अंदर देखिए आप इनर डायमेंशन जो भी है वो रखी हुई है 2 × 500 + 200
यहाँ पर इन तीनों में सिर्फ फर्क है, यहाँ पर 12D, यहाँ पर 10D और यहाँ थर्ड में 8D, बस ये फर्क है। बाकी ये फार्मूला बिल्कुल सेम है। देखिए आप इसको पूरा टू, यहाँ पर जो है 500 प्लस 200, यहाँ सेंटर टू सेंटर में 510 प्लस 210, आउटर टू आउटर में 520 प्लस 200। एक तो ये साइज चेंज हो गया है, दूसरा जो बुक की बुक का कंसिडरेशन है, यहाँ पर देखिए 8D है, 2 × 8D, यहाँ पर है 2 × 10D और यहाँ पर है 2 × 12D। बाकी जो एलोंगेशन है वो सेम है तीनों। तो इन तीनों में चेंजेस के बावजूद भी इसकी जो कटिंग लेंथ है ये आप देखेंगे 1520 mm, इसका भी देखेंगे 1520 mm और इसका भी देखेंगे आप 1520 mm। तो ये तीनों मेथड है। अब इसमें से आपको जो भी मेथड सही लगे वो आप मेथड यहाँ से अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें एक और थोड़ा सा यहाँ पर विरोधाभास है, जो ये थर्ड नंबर वाला है, इसमें हम आउटर टू आउटर डायमेंशन भी कंसिडर करते हैं और जहां हम 8D कंसिडर कर रहे हैं यहां कई बार 10D भी कंसिडर किया जाता है और इसको मानते भी हैं। तो यहां पर आप 10D भी कंसिडर कर सकते हैं अगर कंसिडरेशन वहां हो रहा हो तो। ये सब मौके के आधार पर है कि क्या कंसिडर हो रहे हैं और क्या नहीं हो रहा है।